नमस्कार, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। इस समय मैं खड़ा हूं वसई आनंद नगर के रवि हॉस्पिटल में। हमारे साथ यहां एक पेशेंट है और उनकी हालत इस तरह से क्यों हुई, वो अस्पताल में क्यों पहुंचे, उसके पीछे का क्या कारण है, ये हम जानना है। हम सीधा चलते हैं, हमारे साथ है किरण कुमार मचाटू। इनका एक बार हमने पहले करीब करीब 9-10 महीने पहले पिछले यही साल मार्च अप्रैल में इनका हमने एक इंटरव्यू लिया था, हमारे चैनल पे पहले चलाया था और इस इंटरव्यू में इनकी कुछ परेशानियां थी उसका हमने जिक्र किया था और उसी से लिंक आज का ये मामला दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया। तो सीधा बात करते हैं, क्या है इनकी, क्या हुआ आपकी कंडीशन, ऐसी क्यों है ये? आज मेरा कंडीशन जो हुआ है, मारपीट हुआ है हमारे सोसाइटी में। इसका एक स्टोरी था, आपने पहले भी हमारे से बैठ लिया है, मैंने आपको दिया हो। किसने आपसे मारपीट किया और क्यों किया? हमारे सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी का जो ट्रेजरर है, उसका पति और उसका बेटा मेरे को मेरे घर से घसीट के बाहर निकाल के मारा है मुझे। और ये मार इतना बहुत बुरी तरह से है कि मेरे को जान से खत्म करने तक का ये कारण इससे है कि मैंने सोसाइटी से, मेरा ऑलरेडी वाद विवाद चल रहा है काफी टाइम से, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है सोसाइटी के टेरेस पे और उस चीज के लिए मैंने वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन किया था और मेरा कंप्लेन कम से कम इस कंप्लेन को 2 साल से चल रहा है कंप्लेन। और मैंने जो कुछ भी किया है अभी तक काम, वो सब टोटल लीगल काम किया है, कोई जबरदस्ती ये सब किसी को। और मेरा कंप्लेन असिस्टेंट कमिश्नर के पास, एच वार्ड के पास भी गया है और ये कंप्लेन अनिल पवार जी जो अपने कमिश्नर है विरार के, वहां पे भी जाके एवरीथिंग उनको सब कुछ मालूम है। और ये उसी सिलसिले में अब मुझे कंप्लेन वापस लेने के चक्कर में सोसाइटी के लोग मुझे धमका रहे और ये बात इतना बढ़ चुका है कि ये मेरा कंप्लेन वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं हो रहा है। वो लोग उसको आज उड़ा उड़ा के बात कर रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, ये कुछ हो ही नहीं रहा। बात यहां तक चली गई कि अब मंत्रालय तक मेरा हियरिंग लग चुका है और उनको सब कुछ प्रूफ है कि ये इल्लीगल है। इल्लीगल होते हुए भी वो लोग कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या आप उसी सोसाइटी में रहते हैं? मैं उस सोसाइटी का ओनर, मतलब मेंबरशिप मेंबर हूं। मेरा फ्लैट खुद का फ्लैट है और मुझे मालूम है, मैं वहां से 1990 में रह रहा हूं, 1990 से। और मैंने वीवीएमसी को पूरा प्रूफ, हर एक प्रूफ, आप मुझे बताइए जब तीसरा फाइनल एमआरटीपी नोटिस निकलता है तो वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग ऐसे ही मेरे कहने पे नोटिस तो नहीं निकालेंगे ना। उनका पूरा स्क्रूटनी हो चुका है, उनका इंजीनियर ने आके चेक किया, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? और उसका कारण की वजह से आज मुझे ये भी फील हो रहा है कि वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर्स है, असिस्टेंट कमिश्नर और जो वरिष्ठ जो लोग है, उन लोग और मेरे सोसाइटी का मिली भगत है। आज मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, मारपीट हो गया है, मुझे मारने में, जान से मारने तक का कोशिश किया गया है मेरे घर के अंदर घुस के। आपने पृष्ठभूमि बताई कि क्या वजह था, लेकिन आज बात कहां से शुरू हुई और क्यों उन्होंने बताया? ये बात इसी वजह से हुआ है कि मेरा मैटर अभी लोकायुक्त तक गया है, मंत्रालय में 8-1 को मेरा हियरिंग लग चुका है वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मुझे पूरा डाउट है कि उन्होंने इन लोगों को बता दिया होगा, सोसाइटी वाले लोग को, और वो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे कि ये केस को वापस ले, वापस ले, वापस ले इस केस को, क्योंकि इस केस का जब उठाव होगा तो इसमें मेन फंसेगा वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपका जो मामला है ये सिविल मैटर है, लेकिन सिविल मैटर होने के बाद भी जब आपने पहले कंप्लेन की, कुछ किया, तो आपने तब पुलिस को इसके बारे में कहीं पे कंप्लेन की थी? मेरा कंप्लेन पुलिस तक गया है और मैंने अभी रिसेंटली एक कंप्लेन मैंने एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी, जो असिस्टेंट कमिश्नर नीलेश मात्रे जो जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, मैं किसी को पर्सनली हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए भी मैंने पुलिस कंप्लेन किया है। लेकिन आजकल करके पुलिस वाले ने बोला है कि दे हैव, उन्होंने लेटर फॉरवर्ड किया है उनको कि इसके बारे में स्पष्ट करे कि क्या है करके और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है करके। आज जब आपकी यह हालत हुई तो आज पुलिस कहीं आई है, पुलिस का इसमें इन्वॉल्व हुआ, पुलिस की कंप्लेन हुई क्या? यस, मैंने जाके पुलिस कंप्लेन भी किया है, मैंने उनको बोला है कि इसके ऊपर एफआईआर कीजिए
और विशाल कामले करके और पीएसआई हितेंद्र चौहान के पास ये मेरा मैटर जाने वाला है, मुझे उनके पास फॉलो अप करना है। पुलिस कमिश्नर से आपकी क्या मांग है? पुलिस कमिश्नर से मेरी अभी फिलहाल ये मांग है कि इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए, जिन्होंने मेरे पे घातक हमला किया है उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, प्रॉपर एक्शन लिया जाए और वैसे विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन लोग ने अपना काम नहीं किया है, आज उनके वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, उनके डिले के वजह से। तो हमने आपको ये किरण कुमार मजाटू की पूरी स्टोरी सुनाई, क्या इनके साथ में हुआ। एक छोटी सी बात करके खत्म करना चाहूंगा कि इससे पहले मार्च में जब मैंने एक खबर चलाई थी, तब कुछ अनजान नंबर से मुझे भी धमकी आई थी कि आपने जो खबर चलाई है, मुझे उसमें डराया धमकाया गया था, ये कहा गया था कि आपने हमारी निष्ठा का हनन किया है। हालांकि उस खबर में कुछ किसी के खिलाफ मैंने इंटेंशनली कुछ चलाया नहीं था, लेकिन मुझे प्रेशराइज किया गया था कि वो खबर हटाऊं मैं, और कहीं ना कहीं मुझ पर भी दबाव बनाने की तब कोशिश की गई थी। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, पीड़ित का साथ देना, तो मैं पहले भी करता आया हूं, आज भी कर रहा हूं, और आज ये लोग बताइए तो कहीं ना कहीं कहां हमारे प्रशासन की चूक है, इस सवाल का जवाब मिलना काफी जरूरी है। आज इन एक किरण कुमार जैसे कई किरण कुमार ऐसे है जो पीड़ित है और इसी तरह से अपनी आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल पाता है। अब इसमें मामले में देखा जाए कि क्या कानूनी प्रोसीजर होती है। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में अगर हमारे चैनल पर हम उसको जवाब देना चाहेंगे तो जरूर उनसे हम मुलाकात लेकर उनकी बात भी रखना चाहेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से शुक्र। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।